आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहबाज, जो कि टांगों से मौजूद है। तो काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 10 साल हो गए इनको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी। जी आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद शहबाज। कितना अर्सा हो गया आपका? तकरीबन 11-12 साल। तो काम क्या करते हैं आप? काम में सोचों का काम करता हूँ। सोचों का काम करता है। दिन में आप कितना कमा लेते हैं? भाई ये 200-300। तो आपके घर वालों में कौन कौन मौजूद है इस वक्त? इस वक्त बड़ा भाई है, उसके पास ही हम रहते हैं। तो शादी होगी आपकी? शादी नहीं हुई। तो वालदैन है आपके? जी वालदा है। वालदा है। तो भाई कितने हैं आपके? भाई 6 हैं। 6 भाई। 6 भाई। बाकी क्या काम करते हैं? वो अपने अपने काम करते हैं, अलग रहते हैं। बच्चे हैं उनके। तो घर अपने आपका? नहीं, बड़े भाई के पास रहते हैं। तो घर में रहते हैं? नहीं, लदा लदा है। तो बाकी रहते हैं वो किराए पे रहते हैं या अपना घर है? नहीं, उनका अपना। उनका अपना पेश है। ये ऐसे ही ना अचानक ही जो है ना इधर जख्म बना है टांग के नीचे, तो कुछ ही दिनों के बाद मैं जख्म बन गया, नासूर बन गया। तो अचानक ही वो जैसे ना अंदर से ही ना ये जो पट्टे हैं ना सुंगड़ गए हैं, पीछे गए हैं, लात जो है ना वो बिल्कुल सीधी नहीं होती और सूख भी गई है। तो ये कितना अर्सा हो गया? 11 साल हो गए। इसके इलाज वगैरह करवाया? इलाज जो है ना वो यही है कि वो इसका इलाज जो है ना वो कहते हैं डेड हो गया। तो कौन से तबीयत आपने चेक करवाया? इधर इस सिविल अस्पताल में। इसके अलावा आपने कहीं भी चेक करवाया? इधर से नहीं, इधर वो कहते हैं लोअर लेके। तो आप हमारे पास कैसे आए? हम बस इधर इसलिए आया हूँ कि जो है ना मेरी जो माली मदद हो। आपका माना खर्चा कितना है? तकरीबन जी माना खर्चा जो है ना 15-20 हज़ार भी है। हम अपने जो है ना पकाते हैं। जी आप अपना अलहदा पकाते हैं? हाँ, भाइयों के साथ अलहदा ही पकाते हैं। उनके बीवी बच्चे हैं? भाई के भी बीवी बच्चे हैं, वो अपना अलहदा बनाते हैं। तो मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ मुझे मतलब के संभालती है। आप और आपकी वालदा जी? आप जी हमारा खर्चा अलग है, हर चीज़ हम अपने अलग लेते हैं। दूध, चीनी, पत्ती, हांडी का सामान। तो आप जो काम करते हैं सच्चों का, उसमें आप दिन का कितना कमा लेते? वो ये तकरीबन 300-400 में कमाता हूँ। तो आप हमारे पास अंदाज के लिए आए? जी गुजारा नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ कि चलो मेरी मदद हो जाए, मेरा वक्त आसान हो जाए। आप दिन में तकरीबन कितने घंटे काम करते हैं? तकरीबन 7-8 घंटे काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी माली इमदाद करें या आपके इलाज के लिए भी हम जो है वो कुछ कोशिश वगैरह करें? जी मदद हो जाए बस, जो है ना अपना जा फंड मिल जाए। तो मजदूरी सर्टिफिकेट वगैरह आपका बना हुआ है? जी बिल्कुल बना। तो आपने पहले जो है वो सोशल वेलफेयर में कोई एप्लीकेशन वगैरह? जी बिल्कुल की है, 2-3 जगहों पर मैं गया हूँ। उन्होंने कहा है कि जो है ना जहाँ से तुम्हारा ये ना बैतुल माल टी वी अस्पताल में, उधर आप जाएँ, उधर आप वो ऑनलाइन हो जी, ऑनलाइन होंगे तो उनको बोला, उनको कहो कि हम ऑनलाइन कर लो मुझे। तो उधर जाते हैं तो वो कहते हैं वो उधर जाओ, चांदी चौक में जाओ, कचहरियाँ में जाओ, तो सुनवाई कौन नहीं होती। जी ठीक। तो इसका मतलब आप हमारे पास जो है वो लीगल एड के लिए भी आए? जी। कि हम आपकी जो है वो दरख्वास्त भी लिखें? जी बिल्कुल। तो उसके बाद आपकी जो माली इमदाद के लिए जो है वो भी कोशिश करें? बिल्कुल जी, मेरा यही ख्याल है। जी ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है वो लोगों से जो है वो गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि इन भाई की जो है वो माली इमदाद करें। तो इंशाल्लाह वीडियो के नीचे हमारा नंबर चल रहा है, तो आप उन नंबर पे जो है वो गैस कैश भी कर सकते हैं, इजी पैसे भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा जो बैंक अकाउंट है आप उनमें भी जो है वो पैसे सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आप पैसे सेंड करेंगे वो इस भाई को जो है वो डायरेक्टली हम सेंड करेंगे या इन भाई के ही नंबर हम लगा के देंगे, तो इंशाल्लाह आप उसके अंदर जो है वो पैसे सेंड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।